स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। वही मध्य प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार कमी आ गई है। इसी के साथ राज्य सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि एमपीपीई में व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए अभी तक कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह विभाग में 4000 पदों पर आरक्षित भर्ती की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन भर्ती परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा इसके लिए अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, हालांकि एमपीपीईबी की आरक्षित भर्ती परीक्षा के लिए चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अगर तीसरी लहर का असर मध्य प्रदेश में नहीं दिखता है तो अधिकारी अगस्त या सितंबर महीने में आरक्षित भर्ती की परीक्षा पूरी करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंधों के दौरान मध्य प्रदेश में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। और वहीं कोरोना के केसों में कमी देखने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जी हाँ, लेकिन अब भी आरक्षित भर्ती प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। जब ये प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड अगस्त या सितंबर के महीने में परीक्षा आयोजित करवाना चाहता है। अगर चर्चाओं की माने तो जुलाई के आखिरी या फिर अगस्त के पहले सप्ताह तक परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जी हाँ, परीक्षा के एडमिट कार्ड 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जी हाँ, और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की भी गूंज एक बार फिर से दिखाई देने लगी है, जिस तरह से आप जान रहे हैं। वहीं जबकि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो जाए, ताकि अगर तीसरी लहर असर करती है तो परीक्षा या चुनाव दोनों स्थगित न किए जाए। जिस तरह से आप इस अपडेट में जाना, मैं इसमें तमाम जानकारी लगातार आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।